नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से वीडियो में क्लिक करके जान लेते हैं। पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो अग्नि प्राइम मिसाइल को लेकर आ रही है। भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये परीक्षण ओडिशा तट से किया गया और ये मिसाइल 2000 किलोमीटर दूरी तक वार कर सकती है। ये अपनी श्रेणी की मिसाइलों की तुलना में काफी हल्की और छोटी है, लेकिन इसकी मारक क्षमता बेहद जबरदस्त है। डीआरडीओ के अधिकारियों ने बताया कि इस नई मिसाइल को नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डेवलप किया गया है। इससे पहले भारत ऑलरेडी ही अग्नि श्रेणी की कई मिसाइलों को सेना में शामिल कर चुका है, यानी कि बेहद जरूरी है इस तरीके की हल्की और छोटी मिसाइलें जो कि लंबी दूरी तक वार कर सके और इन्हें कहीं से भी आसानी से लॉन्च भी किया जा सके। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन सीमा के रास्ते में पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र में 3 पुलों का उद्घाटन किया। बीआरओ के अधिकारी ने बताया कि इन पुलों में से एक तवा घाट के पास घटिया बगड़ मार्ग पर, दूसरा किरकुटिया में जौली जीबी मुनस्यारी मार्ग पर और तीसरा लासपा में मुनस्यार बगदियार मार्ग पर स्थित है। साथ ही बीआरओ के अधिकारी ने बताया कि ये पुल हिमालय क्षेत्र के इस क्षेत्र में स्थित सीमावर्ती सुरक्षा चौकियों को भारतीय मुख्य भूभाग से जोड़ेंगे। इन पुलों की लंबाई 140 से 180 मीटर के बीच है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित पुलों को बनाने में बीआरओ ने विषम परिस्थितियों में भी काम किया। बीआरओ के अधिकारी ने बताया कि 3 पुलों के निर्माण से पर्यटक और सुरक्षा बल दोनों को आवागमन की सुविधा हो जाएगी। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ जो कि थिएटर कमांड को लेकर आ रही है। चीन से सीमा पर जारी तनाव, पाकिस्तान का रवैया और पहले की तुलना में युद्ध के तरीकों को बदलते हुए देख तीनों सेनाओं का एकजुट होना बेहद जरूरी हो गया है। सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए एक संयुक्त सैन्य कमान की गठन की तैयारी चल रही है और तीनों सेनाओं के संयुक्त कमान को थिएटर कमान या इंटीग्रेटेड कमान भी कहा जाता है। लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि इस साल स्वतंत्रता दिवस पर 4 नए थिएटर कमान बनाने के निर्णय की घोषणा की जाएगी। 4 थिएटर कमांड में इंटीग्रेटेड मैरिटाइम थिएटर कमांड यानी कि IMTC, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड यानी कि IADC और 2 इंटीग्रेटेड लैंड थिएटर कमांड जो कि पाकिस्तान के साथ सीमाओं के लिए हैं और अगले 2 सालों में ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएंगी। यही नहीं, जम्मू और कश्मीर के लिए एक अलग कमांड जिसमें कि आतंकवाद विरोधी अभियान शामिल होंगे इस पर भी विचार किया जा रहा है। इसकी योजना लगभग फाइनल है। सरकार का पूरा जोर थिएटर कमांड पर है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अनुसार 15 अगस्त के बाद नए कमांड के गठन की शुरुआत होगी। इस कमांड की देखरेख मौजूदा जिम्मेदारियों के अलावा कमांडर इन चीफ जिसमें कि सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल और एयर मार्शल होंगे उनकी ओर से की जाएगी और अगले साल 15 अगस्त तक जो ज्वाइनिंग है उन्हें भी पूरा कर लिया जाएगा। नए कमांड के क्रियान्वयन की शुरुआत थिएटर कमांडरों की नियुक्ति के साथ होगी और अगस्त 2023 तक 3 कमांड पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगी और थिएटर कमांड सीधे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को रिपोर्ट करेंगी। अगली अपडेट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ही लेकर आ रही है। पूर्वी लद्दाख में चीन को स्पष्ट संदेश देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश गलवान के शहीदों की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। अपने लद्दाख दौरे के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौती को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ के द्वारा निर्मित 63 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इस यात्रा का मकसद चीन के साथ लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद के बीच क्षेत्र में अपनी सैन्य तैयारियों का जायजा लेना है। साथ ही उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई धमकी देने की कोशिश करता है तो भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अगली अपडेट नौसेना को लेकर आ रही है। इंडो पैसिफिक इलाके में चीन पर नकेल कसने के लिए यूके का HMS क्वीन एलिजाबेथ कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इंडियन नेवी के साथ फुल स्पेक्ट्रम एक्सरसाइज में हिस्सा लेगा। ये युद्ध अभ्यास पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कोंकण वार गेम्स के तहत अगले महीने जुलाई में किया जाएगा। इस दौरान यूके अपने पहले 65,000 टन वजनी वॉरशिप की तैनाती साउथ चाइना सी में करेगा। भारत और यूके ने साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को सुनिश्चित करने के लिए इंडो पैसिफिक में सहयोग करने का फैसला लिया है। इससे पहले इंडियन नेवी ने 23 से 24 जून को गोवा तट पर USS रोनाल्ड रेगन कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप के साथ भी अभ्यास किया था। हालांकि कोंकण में युद्धाभ्यास की तारीख तय की जा रही है। कैरियर ग्रुप कमांड और निकोबार द्वीप के आसपास भारत की पनडुब्बियां PHI सबमरीन वॉरफेयर प्लेन्स Meg-29 के फाइटर जेट्स के साथ ये युद्धाभ्यास भारत करेगा। इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य इस वक्त मेंटेनेंस के दौर से गुजर रहा है। 2021 में ये वापस अपनी तैनाती के लिए बाहर आएगा। अगली अपडेट ब्रह्मोस को लेकर आ रही है। रशिया इंडियन ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस ने बताया कि उनकी योजना साल के अंत तक $1 बिलियन के नए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने की है।
जो कि इस कंपनी को साल के अंत तक $6 बिलियन तक ले जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि और कई अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए जाने की योजना बनाई जा रही है। इस साल के अंत तक कुल ऑर्डर पोर्टफोलियो $6 बिलियन हो जाएगा। साथ ही कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि अधिकतर जो ऑर्डर्स दिए गए हैं उनमें से जो लैंड फोर्सेस हैं उनसे ज्यादा मिले हैं, ये लगभग 40% है। इसके अलावा नौसेना और वायुसेना से भी करीबन 30% ऑर्डर्स मिले थे। फिलहाल 2021 में ब्रह्मोस की वर्थ 2021 में $5 बिलियन से अधिक की है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो सीडीएस जनरल विपिन रावत को लेकर आ रही है। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने एक इंटरव्यू में कहा कि ड्रोन और स्वार्म ड्रोन युद्ध की प्रकृति को बदल रहे हैं और ये एक चिंता का विषय है, इसीलिए हम ड्रोन तकनीक का मुकाबला करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ को इस क्षेत्र में कुछ सफलता भी हासिल हुई है। साथ ही ये भी कहा कि हमने निर्णय लिया है कि भविष्य में ड्रोन का मुकाबला करने के लिए हम किस तरीके से तैयार होते हैं और किस तरीके की टेक्नोलॉजी को विकसित करते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्ध में ड्रोन और स्वार्म ड्रोन बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं और जिसके खिलाफ हमें मुकाबला करने की तैयारी करनी होगी। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ कुछ सिविल एजेंसियों के साथ मिलकर और साथ ही आईआईटी के साथ मिलकर ड्रोन्स के खतरे को मुकाबला करने के लिए प्रणालियों पर काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम आधुनिक ड्रोन प्राप्त करने जा रहे हैं, इसके साथ ही हमें अपनी खुद की ड्रोन तकनीक भी विकसित करनी होगी जिसे डीआरडीओ लगातार कर रहा है। अगली अपडेट ट्विटर को लेकर आ रही है। दरअसल ट्विटर अपनी सीमाओं को क्रॉस कर रहा है, लगातार वो भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं प्रोपोगंडा चलाता है और यही वजह है कि जब भारत सरकार के जो नए आईटी नियम है उसके अंतर्गत इसे लाने का प्रयास किया गया तो इसने शुरुआत में विरोध किया, लेकिन जब दबाव डाला गया तो ट्विटर को भारत की नई गाइडलाइंस माननी पड़ गई। लेकिन अभी भी ट्विटर नहीं सुधरा है क्योंकि हाल ही में ट्विटर और भारत सरकार के बीच में विवाद चल रहा है और ये और बढ़ सकता है क्योंकि इस बार ट्विटर ने फिर से भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की है। सूत्रों ने बताया कि ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर भारत का जो नक्शा दिखाया है जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शामिल नहीं किया गया है और यह आरोप लगाया जा रहा है कि ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग देश के तौर पर दिखाया है। ट्विटर की करियर पेज पर ट्विटर लाइव सेक्शन में वर्ल्ड मैप है, यहां से कंपनी ये दर्शाती है कि दुनिया भर में ट्विटर की टीमें हैं, इस मैप में इंडिया भी है लेकिन भारत का नक्शा विवादित दिखाया गया है। इससे पहले भी लद्दाख को भारत का हिस्सा उसने नहीं दिखाया था, हालांकि बाद में इसे ठीक कर लिया गया। लेकिन अब सरकार खुले तौर पर ट्विटर के विरोध में सामने आ चुकी है और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ किया है कि ट्विटर भारत को लेकर दोहरा रवैया रखता है, इसीलिए यह विवाद एक बार फिर से तूल पकड़ सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले जब ट्विटर ने लद्दाख को अलग बताया था तो सरकार के कहने पर इसे ठीक कर दिया गया, लेकिन फिर से उसने वैसा ही काम करके दिखा दिया है। दोस्तों यहां पर हम सबको मिलकर ट्विटर का विरोध करना चाहिए और ट्विटर पर उसी की इंसल्ट करनी चाहिए जिस तरीके से वो भारत का विवादित मैप दिखाता है और भारत के अभिन्न अंगों को भारत का नहीं दर्शाता है। ऐसे में ट्विटर की ये जो मोनोपोली है वो नहीं चलने वाली, इसके लिए हम सभी लोगों को एक साथ आना होगा और बायकॉट करना पड़ेगा इस ट्विटर का और इसकी जगह भारत की जो ऐप है कू आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम तो ये कोशिश करेंगे कि ट्विटर को इस देश से ही हटा देना चाहिए जो कि बार बार मनमानी कर रहा है और सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये मनमानी इसकी ऐसी चलती रही तो जरूर हम सबको इस ट्विटर को अलविदा कहना पड़ेगा इस देश से और यहां से अपनी प्रोफाइलें हटानी होंगी। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो गगनयान मिशन को लेकर आ रही है। इसरो गगनयान प्रोजेक्ट के तहत अपने पहले मानव रहित मिशन को दिसंबर में कंप्लीट करने की योजना पर काम कर रहा है। खबर के मुताबिक मानव को अंतरिक्ष में भेजने से पहले इसरो की तरफ से दो मानव रहित उड़ान अंतरिक्ष में भेजी जानी है जिससे कि मिशन की क्षमता को परखा जा सके। खबरों के मुताबिक भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि महामारी की पहली और दूसरी लहर की वजह से डिवाइस की सप्लाई पर असर हुआ है और इससे गगनयान का जो प्रोग्राम है वो गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। मिशन के विभिन्न उपकरणों का विनिर्माण अलग अलग उद्योगों के द्वारा किया गया है और महामारी के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में बार बार लागू हुए लॉकडाउन की वजह से इनकी सप्लाई पर असर पड़ा है। इसरो के अधिकारी ने बताया कि डिजाइन विश्लेषण और डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े सारे काम इसरो की तरफ से किए जाते हैं जबकि गगनयान के लिए उपकरण देश में स्थित सैकड़ों उद्योगों के द्वारा बनाए जा रहे हैं और वही इसकी सप्लाई भी कर रहे हैं। गगनयान कार्यक्रम का मकसद भारतीय अंतरिक्ष यान के जरिए मानव को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है और फिर उन्हें धरती पर सुरक्षित वापस लाना है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।